शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो आप बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें तो एक मंत्र अवश्य बोलें। वैसे तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, परंतु देवों में प्रथम और पूजनीय देव भगवान गणेश को माना गया है, जिनका बुधवार के दिन पूजन अर्चन किया जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन किया गया कोई भी उपाय पूजा पाठ भगवान गणेश को बहुत जल्द ही प्रसन्न करता है। यदि आप बुधवार के दिन कोई भी व्रत पूजा पाठ और उपाय करते हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, तो उस पूजा अर्चना के दौरान एक छोटा सा मंत्र अवश्य बोलें। इस मंत्र को बोलने मात्र से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वह पूरी हो जाएंगी और आपके जीवन से सभी दुख परेशानियां दूर होंगी। साथ ही आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। रिद्धि सिद्धि की कृपा भी आपको मिलती रहेगी। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया यह छोटा सा मंत्र है जो आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश के सम्मुख आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। आप चाहें तो बिना पूजा पाठ और व्रत के मात्र भगवान गणेश के दर्शन मात्र करने के बाद आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। इस मंत्र को बोलने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंत्र है ओम एक दंताय विघ्ने वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। दोबारा से आप इस मंत्र को सुन लीजिए, बहुत ही छोटा सा और सरल सा मंत्र है। बहुत जल्द ही यह मंत्र आप लोगों को याद हो जाएगा। आप चाहें तो इसे किसी कॉपी में नोट करके भी रख सकते हैं, जिससे आपको इसे बोलने में परेशानी ना हो। मंत्र है ओम एक दंताय विघ्ने वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विघ्ने वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को लगातार 3 बार भगवान गणेश के सम्मुख बोलें और अपनी मनोकामना को बोलें। निश्चित रूप से आपकी वह मनोकामना पूर्ण होकर रहेगी। उम्मीद करते हैं ये उपाय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।